ऐतिहासिक मुकाबले में जब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जिस तरह से जीत के मुबारकबाद दी उसे देख करोड़ भारतीयों ने मोदी जी को सलाम ठोक दिया। तो चलिए बताते हैं क्या बोले मोदी। लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन जब टीम ने बनाई तो ऐसा लग रहा था कि बिना किसी परेशानी के पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में जीत कर इतिहास रच देगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी भी शुरुआत में ठीक ठाक रही है। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कराकर जब रिजवान को बोल किया तो मुकाबला ने करवट ली और उसके बाद तो भारतीय सभी गेंदबाजों का ऐसा योगदान था कि चाह कर भी पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीत नहीं सकी। टीम इंडिया इस मुकाबले को 6 रन से अंत में जीत गई। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिन हमारे लिए बेहद खास है। मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान की टीम को इस वर्ल्ड कप के महामुकाबले में हमेशा हमें अपनी टीम के ऊपर गर्व रहा है और आज भी स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल थी लेकिन टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी जिन्होंने अंतिम चरण तक मुकाबले में बिल्कुल भी दिलाई नहीं छोड़ी। ऐसे खिलाड़ियों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। टीम के सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा जिसकी वजह से टीम ने पाकिस्तान को एक हारते हुए मुकाबले में भी शिकस्त दे दी। उन्होंने आगे कहा टीम की इस जीत के बाद अगर वर्ल्ड कप हमारी टीम जीती है तो मैं टीम को बेहद नायाब तोहफे से नवाजूंगा। इस तरह से पीएम मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी। लेकिन आप सभी टीम इंडिया की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।